एवरीवन, प्रेस द लॉर्ड। मैं हूँ स्वीटी विद्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीटी विद्या ब्लॉग्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, बिकॉज दुर्गा पूजा का छुट्टी है और थोड़ा सा फ्री है आज। मेरी सिस्टर का भी छुट्टी था, सो सडन प्लान किए हम लोग और कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं। सो आज हम लोग जा रहे हैं पतरातू, जो कि रांची झारखंड में पड़ता है। और पतरातू एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है, सो आप हमारे साथ इंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ हैं मेरी सिस्टर्स एंड मेरे फ्रेंड्स हैं, सो हम लोग जा रहे हैं। आप हमारे साथ जा सकते हैं और पतरातू इंजॉय कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे वहाँ का व्यू कैसा है। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्रिएशन है परमेश्वर का। क्या खूबसूरत उन्होंने बनाया है हमारे झारखंड को, स्पेशली हम बोल सकते हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, चलिए हम चलते हैं। हमारे साथ आप भी चलिए। ओके, सो यू कैन सी द व्यू, जो रोड का बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये व्यू बहुत प्यारा है। आप पतरातू जाओगे भले दूर है, बट जो रोड है ना, ये इतना सुंदर है, इतना अच्छा रोड है कि आपको बोर भी नहीं लगेगा जाने में और आप यूं ही तुरंत पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रोड है, प्लेन रोड है। सो रांची से, मेन रांची से 30 किलोमीटर पड़ता है पतरातू, और अभी भी हम ऑन द वे हैं और हम जा ही रहे हैं बहुत ही मज़ा लेकर के। हियर यू कैन सी, ये लोग बोर हो रहे हैं शायद से और अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। बोर हो रहे हो क्या आप लोग? हेलो, सो हम लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। वैसे ज़्यादा बोर नहीं लग रहा, शायद वो लोग बोर हो रहे हैं, बट मेरे को तो मेरे को तो बहुत ही मजा आ रहा है। जब शूट में जाते हैं ना, तो इतना फ्री हो करके, थोड़ा रिलैक्स हो करके अच्छे से फन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बहुत सारा काम रहता है, फोकस शूट पे रहता है। और आज है कि फ्री, मतलब दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, बस जाना है और नेचर देखना है और घूम करके आना है, फन करना है, तो इसलिए मज़ा आ रहा है और आगे भी मज़ा आएगा। स्टार्ट होता है पतरातू का घाटी, एंड यहाँ से आप फील कर पाओगे पतरातू घाटी, और हम बोल सकते हैं क्या कहते हैं, पतरातू टूरिस्ट प्लेस यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा पतरातू घाटी। सो पतरातू इसीलिए फेमस ये जो घाटी है ना पतरातू घाटी, ये रोड के लिए ही, रोड के नाम से ही खूबसूरत है, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है रोड को। एंड Thank you.
व्यू है, ये सबसे फेमस व्यू है पतरातू का। अभी हम लोग भी यहाँ थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ से व्यू, बिकॉज ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखता है। लेट्स गो, दिखाते हैं आपको भी। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से व्यू कैसा दिखता है पतरातू का। ये रहा फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। आगे में आपको डैम दिख रहा होगा पतरातू का। यहाँ पे हम फोटो शूट करेंगे जो आपको थंबनेल में देखने को मिलेगा। ये रहा एंड ये है फ्रेंड्स। स्पेशली इसके लिए हम लोग आए हैं आज। से हाय। ये है मेरी सिस्टर और इसका ड्यूटी रहता है और ये नहीं घूम पाती है बेचारी। और इसके लिए हम लोग आए हैं, नाइट ड्यूटी करके आई हुई है ये, बट टाइम नहीं मिलता है ड्यूटी की वजह से, इसलिए हम लोग इसको घुमाने के लाए। कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल। पहली बार आई है ना? तुम्हारा नाम भी ब्यूटी है और व्यू भी ब्यूटीफुल है। आप लोग ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन यहाँ नीचे देखिए, ये हाथ पकड़ी नीचे देखिए। सो हियर यू कैन सी फोटो सेशन चल रहा है जॉन्स का। हे हेलो, फोटो सेशन हो रहा है, बहुत ही सुंदर सुंदर फोटोज आया है। और ये भी परेशान है, फोटो खींच दो खींच दो खींच दो। ठीक है, फोटो क्लिक करके आपसे मिलता है। यहाँ देख सकते हो आप, आई लव पतरातू। सो आपके सामने प्रूफ है कि हम लोग पतरातू में हैं। गाइस क्या फोटोग्राफी है, खतरनाक। और हल्का सा टर्न करो राइट। उधर भी चल रहा है फोटो सेशन, इधर भी चल रहा है फोटो सेशन। आप देख लिए, आपको पता चल ही गया होगा कि कितना खूबसूरत है पतरातू। सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा प्लेस है घूमने के लिए। अगर आप फ्री हो फैमिली के साथ, आप एक बार ज़रूर आओ पतरातू, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप घूम करके सेटिस्फाइड हो जाओगे। सो अभी हमारा हुआ नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं आप लोग को। आगे का व्यू दिखाते हैं डैम साइड का। ये हिल पॉइंट आप लोगों को दिखाए, अभी जा रहे हैं हम लोग डैम के साइड में, उधर का भी व्यू दिखाते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। सो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी बड़ा है और बहुत कुछ देखने के लिए है। सो इतना जितना हमने दिखाया शायद आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। ओके चलिए आगे हम देखते हैं, हमारे साथ बने रही है, बने रही है। ये है सेकेंड पॉइंट और यहाँ पे भी हम लोगों ने फोटो शूट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कुछ अलग दिखेगा आपको। आई मीन यहाँ पे हार्ट शेप में दिखता है बट पेड़ के वजह से अभी नहीं दिख रहा है। सो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा जगह है, हमने फोटो शूट कर लिया। हेलो, आगे देखते हैं हम लोग। ये लोग आ रहे हैं अभी, दीदी मेरी सिस्टर्स,
हाय बाप रे ये हेल्दी ड्रिंक ये भी आपको मिलेगा गर्मी के दिन में आओगे तो। भैया कैसे का चाय दे रहे हो? 15 का एक कप। तो आप आओगे तो जरूर भैया से चाय जरूर पीना, बहुत टेस्टी है। बिना पिए बता सकते हैं क्योंकि मिट्टी का कप है तो जरूर टेस्टी रहेगा, है ना भैया? ओके सो यहाँ आइसक्रीम भी आपको मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें आपको खाने को मिलेंगे। आप कब से यहाँ लगा रहे हो स्टॉल? लगा रहे हैं, 6 महीना हो गया। वाह, अच्छा कमाई हो जाता है? हो जाता है जीने खाने में। चलो अच्छा है, बस और क्या चाहिए। थैंक यू। तो ये रहा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल गया है, लोग अपना रोजी रोटी कमा लेते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा स्पोर्ट प्लेस है। सो काफी भीड़ भड़ाका हमेशा रहता है, इसलिए लोग आते रहते हैं और लोगों का रोजी रोटी चल जाता है यहाँ से। सो हियर यू कैन सी, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी जा रहे हैं हम लोग दूसरे साइड, यहाँ हम आइसक्रीम ले रहे हैं। हेलो, सुषमा सिस्टर रश्मि, हर नेम इज रश्मि, चलो पानी आएगा। एंड ही इज माय फ्रेंड, हिज नेम इज जॉन्स। अरे ये जाएगा, हम लोग पत्रातू लिखा हुआ है ना क्या है, हम लोग पत्रातू। अरे क्या पत्रातू? यस। सो यहाँ पे लगा हुआ है आई लव पत्रातू वल्ले का बोर्ड। So, हम जा रहे हैं यहाँ पे अभी फोटो शूट के, है ना बॉस? बॉस हेलो, हाँ लेट्स गो, वी कैन टेक फोटो देयर, आई लव पत्रातू वल्ले में। लेट्स सी ओके लेट्स सी। चलो यहाँ पे हम फोटो लेंगे, आई लव पत्रातू। ये हाँ वीडियो ले रहे हैं। डैम जाने से पहले ये पुल मिलता है और ये पूल से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे रुके हुए हैं फ़ोटो शूट के लिए एंड इधर रेडी हो रहे हैं फ़ोटो शूट कराने के लिए। ही इज़ द फोटोग्राफर एंड वो फ़ोटो शूट करवा रहा है। दिस इज़ द लोकेशन एंड हियर यू कैन सी, वो लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। या बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब काफ़ी दिन के बाद ना ऐसे नेचर में आने के बाद बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीस महसूस होता है अंदर से। इधर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे नदी है आई थिंक, बट उतना बड़ा नदी नहीं है ऐसा। फोटो शूट हो गया यहाँ, यहाँ खींच दे। सो ये मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है एंड उससे बड़ी ये सिस्टर है, हर नेम इज रश्मि एंड हर नेम इज ब्यूटी एंड मी स्वीटी। या सो ओके, मैं इनका फोटो शूट करती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जाओ, रेडी रेडी, चश्मा लो, रेडी रेडी। बाप रे, सो यहाँ हम कुछ खाने के लिए चलते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा भूखे हैं। हमारा लंच नहीं हुआ था, ना लंच होगा ना डिनर होगा, ब्रंच होगा, ब्रंच यहाँ पे। मिडवे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं हम लोग खाने के लिए।
आर यू हंगरी? सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आई लव मीड वे. यस ब्यूटीफुल. वी आर गोइंग टू हैव सम फूड्स. हर जगह फोटो लेना ही है. यहाँ की लेडी गार्ड ऑफ दिस रेस्टोरेंट. इधर छोटा हाथी, इधर बड़ा हाथी. छोटा बड़ा हाथी. ये मोटी हाथी एंड वो छोटी हाथी. ये छोटी हाथी एंड ये मोटी हाथी. आधा घंटा हो चुका है दोस्तों और अभी तक हमारा खाने का सामान नहीं आया है. खाने का चीज़ नहीं आया है. आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है और सब लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सबका चेहरा कैसे दिख रहा है. मैं आपने मेरा नया गाना देखा क्या, पंछी चराइया? मैं आपको दो लाइन सुना रही हूँ, ठीक है? अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे ऑफिशियल चैनल स्वीटी विद्या ऑफिशियल पे देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. पंछी चराइया जी भैया. वाओ, लुकिंग सो यमी, डिलीशियस. ये है मुर्ग मसाला, है ना भैया? वो है बटर कुलचा आई थिंक. ये है
क्या मसाला कुलचा एंड प्लेन नान नहीं आया है ना, एंड ये सलाद। और अभी और भी कुछ कुछ आ रहा है, भैया हमारे लिए सर्व कर रहे हैं। सो यम्मी। अब हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, अब हम खाने जा रहे हैं। टेस्ट करके बताओ कैसा है। अच्छा है हाँ? लेट मी चेक क्या है, पनीर है कि मसाला है। पनीर है शायद से। नहीं नाइस। और ये है मेरा फेवरेट ड्रिंक चॉकलेट शेक। हमने सिर्फ दो ऑर्डर किया है क्योंकि सबको नहीं पीना था। कैसा लगा खाना? बहुत टेस्टी था सच में। ओके दुकान नहीं आए हैं, थोड़ा बाहर आए। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। दो घंटे फंसे हुए थे हम लोग ट्रैफिक में। सो इट्स लाइक बाप रे इतना जाम, मतलब पूरा रांची में। सो आते आते हम बहुत टायर्ड हो चुके थे एंड अभी फ्रेश अप होकर के सोने जा रहे हैं। और ब्लॉग का एंड मैंने नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, बिकॉज फिर अधूरा हो जाता इसीलिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे झारखंड का पतरातो टूरिस्ट प्लेस। हम लोग को निकलते रिजॉर्ट से बहुत लेट हो गया था और शाम हो गया था, अंधकार हो गया था, इसलिए हम डैम के साइड में नहीं गए और आपको नहीं दिखा पाए। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे जितना भी मैं दिखा पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।